नमस्कार, आज है 22 मई दिन सोमवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना, हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए, देखिए और टाइम 4 महीने है, 22 सितंबर 30th, प्लीज एक्सचेंज इट। 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया भरोसा, नोट बदलने में आने वाली हर परेशानी का हल निकालने के लिए पूरी तरह से हैं तैयार। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से तिलमिलाया पाकिस्तान, चीन सहित सऊदी अरब और तुर्की ने किया बॉयकॉट। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में करेंगे पूरा विश्लेषण, जानेंगे आखिर भारत के लिए क्यों अहम है ये बैठक, पाकिस्तान और चीन को क्या है दिक्कत। G20 सम्मेलन में पहुंचे साउथ सुपरस्टार रामचरण, नाटू वाला दिखाया अंदाज, जी मीडिया से बोले G20 में आकर बेहद खुशी हुई। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, 8 जून तक नहीं होगी गिरफ्तारी, सोशल मीडिया पर मिली धमकी। विपक्षी दलों को एकजुट करने का नीतीश का मिशन जारी, राहुल गांधी और खड़गे से की मुलाकात, जल्द होगी विपक्षी दलों की बैठक। पापुआ न्यू गिनी दौरे पर पीएम का बड़ा सम्मान, फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, पीएम बोले 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, सेंसेक्स करीब 250 अंक और निफ्टी 110 अंक उछलकर हुआ बंद, बैंक निफ्टी में 84 अंकों की गिरावट। देखते हैं दिनभर की टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद सिडनी में हैं। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोग भारी संख्या में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे, पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय के सिडनी में आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान फिजी के पीएम सितिवेनी राबुका की ओर से वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए पीएम मोदी को दिया गया है। फिजी का यह सर्वोच्च सम्मान अब तक कुछ ही गैर फिजी लोगों को मिला है। पीएम मोदी 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा रही। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इससे पहले नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार के रवैये समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। नई सरकार के चुनाव के बाद कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 3 दिन तक चलेगा। आज सभी 224 नव निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी विधान सौदा में विधायक पद की शपथ ली। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस नेता आरबी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इससे पहले कांग्रेस ने राज्य के विधानसभा का शुद्धिकरण किया,
पार्टी नेताओं ने विधानसभा भवन में गंगा जल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट कराने की चुनौती को पहलवानों ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं तो वो टेस्ट लाइव कराया जाए। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने भी कहा कि नार्को टेस्ट के लिए विनेश ही नहीं बल्कि सभी वो लड़कियां तैयार हैं जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। विनेश फोगाट ने कहा कि टेस्ट लाइव होना चाहिए। ब्रजभूषण ने रविवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी ये टेस्ट कराने होंगे। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जून को होगी। हालांकि जब भी जांच होगी तो बुलाए जाने पर उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ सख्त एक्शन न लेने को कहा है। इस दौरान समीर वानखेड़े मीडिया से बात या फिर किसी प्रकार के दस्तावेज मीडिया से साझा नहीं कर सकते हैं और न ही सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को डराने की कोशिश की गई है। पुलिस कमिश्नर मिलकर सुरक्षा की मांग करेंगे। 18 दिन बाद फिर हिंसा हुई है। राजधानी इम्फाल के न्यू लंबुलेन इलाके में आज उपद्रवियों ने कुछ खाली पड़े घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सरकार ने इलाके में सेना तैनात कर दी। इसके अलावा प्रशासन ने इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही 26 मई तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैत्री और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग भी लगा दी। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुला लिया गया। हिंसा की वजह से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को समन जारी किया है। कोर्ट में दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस डॉक्यूमेंट्री से देश के प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने मामले पर नोटिस जारी करते हुए इस मामले में सितंबर में सुनवाई की तारीख लिस्ट की है। एनजीओ की ओर से दायर की गई याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे पेश हुए और उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री के दो पार्ट ने देश और न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाया है। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अधिकारी ने बताया कि चारों आतंकी अलकायदा के सदस्य हैं। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं जो फिलहाल अहमदाबाद में रहते थे। एटीएस के मुताबिक चारों को भारत भेजे जाने से पहले बांग्लादेश में उनके कमांडरों ने ट्रेनिंग दी थी। चारों के पास अलकायदा के लिए फंडिंग की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी जो संगठन के अवैध कामों में खर्च होते हैं। इसके अलावा चारों के पास स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के साथ साथ उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल कराने के लिए राजी करने का काम भी सौंपा गया था। और अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। जम्मू कश्मीर में आज G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है जिसमें 25 देशों के 60 प्रतिनिधियों समेत कुल 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, एमएसएमई, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इस बैठक को लेकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। आखिर क्यों इस बैठक को लेकर चीन और पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और यह बैठक भारत के लिए क्यों है खास, करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। श्रीनगर में जारी ये बैठक 24 मई को खत्म होगी। इस बैठक में 5 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिनमें ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, एमएसएमई और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट शामिल है। बता दें कि देश में अब तक G20 की 118 बैठकें हो चुकी हैं। आज पर्यटन के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। इस बैठक में करीब
60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर पाकिस्तान बिफरा हुआ है। वहीं चीन ने भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर बैठक से किनारा कर लिया है। यही नहीं, खाड़ी देश तुर्की और सऊदी अरब भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं भारत का कहना है कि G20 बैठकें पूरे भारत में आयोजित की जा रही हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठकें होना स्वाभाविक है क्योंकि ये भारत के अविभाज्य हिस्से हैं। अब सवाल उठता है कि G20 में हिस्सा लेने के लिए तुर्की और सऊदी अरब को आपत्ति क्या है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन कश्मीर को लेकर कई बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। फरवरी 2020 में पाकिस्तानी संसद में संबोधन के दौरान था कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है उतना ही अहम तुर्की के लिए भी है। तुर्की ने 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटने पर विरोध भी दर्ज किया था, जिस पर भारत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वो उसका आंतरिक मामला है, इस मामले में वो किसी बाहरी देश से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर दूसरे खाड़ी देश सऊदी अरब ने इस मामले में भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन देखा जाए तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान का हितैषी रहा है। बता दें कि G20 समूह में भारत सहित 20 देश हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कश्मीर में G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान पहले ही अपनी आपत्ति जता चुका है, लेकिन उसकी आपत्ति भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके पीछे कारण है उसका G20 का सदस्य न होना। जानकारों का कहना है कि कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान का पुराना पैंतरा रहा है। वो किसी न किसी मौके पर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करता रहा है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं रविंद्र सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार हैं। रविंद्र सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस चर्चा में। और ऐसे समय में ये बैठक हो रही है कश्मीर श्रीनगर में, देश भर में 118 बैठकें हो चुकी हैं। कश्मीर में ये इवेंट बेहद खास आपको क्यों लग रहा है, क्या है इसके मायने? क्योंकि 2019 के बाद जब 370 हटाया गया था कश्मीर से, उसके बाद ये पहला मेजर इंटरनेशनल इवेंट है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या एक संदेश, क्या एक खासियत इस बार के इस इवेंट से लग रही है आपको? नमस्कार, थैंक यू, ऑनर टू बी आपके साथ। डेफिनेटली देखिए, जैसे आपके दर्शक जानते होंगे, G20 में करीब 11 या 12 वर्किंग ग्रुप्स हैं, एनर्जी, यूथ, फाइनेंस, ट्रेड इत्यादि इत्यादि। उनमें से टूरिज्म भी एक वर्किंग ग्रुप है। हर ग्रुप की चार चार बैठकें होनी है बिफोर द फाइनल समिट। हर ग्रुप अपना फाइनल कंक्लूजन देगा। टूरिज्म को लेके ये अभी कश्मीर में जो हो रही है, ये तीसरी वाली वर्किंग मीटिंग है जो कश्मीर में हो रही है। अब पॉइंट इसकी ये इतना ज्यादा क्यों लाइमलाइट या कंट्रोवर्सी भी अगर हम कहें कुछ दिखती है, इसकी दो तीन कारण है। एक, देखिए, भारत जो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, ऑफकोर्स हम प्रोजेक्ट भी करना चाह रहे हैं नॉर्मलसी, कश्मीर की डेवलपमेंट एंड प्लस फ्यूचर ऑफ कश्मीर की। जैसे आप बात कर रही थी फिल्म टूरिज्म वगैरह, जब स्विट्जरलैंड में मूवी शूट हो सकती है, वहां की लोकल इकोनॉमी हेल्प होती है, इसी तरह से कश्मीर की भी। और दुनिया भर के रीजन्स हैं जो कोशिश करते हैं बॉलीवुड वहां आए और वहां फिल्म शूट करे, कनाडा के, न्यूजीलैंड के, राइट? तो फिल्म शूटिंग, फिल्म टूरिज्म एक इकोनॉमी लोकल को हेल्प करता है। नाउ इशू क्या है, लास्ट ईयर 2022 में करीब 18 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं, जो कि 1947 के बाद सबसे बड़ा नंबर है। दैट मींस कश्मीर स्टेबिलिटी एंड टूरिज्म ग्रोथ पे जा रहा है। दूसरा, $60 मिलियन का एक FDI इन्वेस्टमेंट आ रहा है MR ग्रुप से, जो आपके दर्शक अच्छे से जानते होंगे, राइट? दुबई बेस्ड डेवलपर है। तो 370 हटने के बाद ये सबसे पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है श्रीनगर में कमर्शियल रियल एस्टेट में। तो ये दो चीजें इंडिकेट करती हैं कि कश्मीर अब अपस्विंग में है, नॉर्मलसी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी इत्यादि बढ़ रही है। तो पहली बात तो प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान और चाइना इत्यादि को, खासकर पाकिस्तान को, कि ये उनका जो कश्मीर प्रोजेक्ट है फेल होता दिख रहा है ना। पाकिस्तान के हिसाब से तो कश्मीर में हमेशा कयोस और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जबकि कश्मीर में इस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रास्ता जा रहा है। तो पाकिस्तान उससे परेशान है।
चाइना डेफिनेटली यस, चाइना का तो ऑब्जेक्टिव है कि भारत को, भारत की ग्रोथ को रोकना और हर्डल्स क्रिएट करना. तो चाइना ने ये जो स्टेप लिया, और चाइना का एक और रीजन है, वो अपने सीपेक कॉरिडोर इंश्योरेंस कहे या फायरवॉल कहे, परपेचुटी कश्मीर कभी या इंडिया, हम कभी उस तरफ उसकी सीपेक कॉरिडोर को थ्रेटन ना कर सके. टर्की पे हम अभी आते हैं, बट टर्की ओके क्विकली. देखिए एर्दोगान, जैसे आपने बोला, वो तो एर्दोगान ने तो शुरुआत इसलिए करी थी कुछ वर्षों पहले, वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाह रहे थे, सऊदी को अलग हटा के वो खुद चौधरी बनना चाह रहे थे. बट एट द सेम टाइम इस समय एर्दोगान की इलेक्शन भी है, राइट, एंड वो बड़ी ट्रेड ऑफ में है. तो आई वुड थिंक दैट एर्दोगान स्टिल इसी कार्ड को प्ले कर रहा है, और कि भाई ओके मैं दुनिया के इस्लामिक इंटरेस्ट को चैंपियन करता हूं. सऊदी का अलग केस मुझे दिखता है. सऊदी का आप देखिए, सऊदी और भारत के रिश्ते काफी बढ़ गए हैं इकोनॉमिक रिश्तों के हिसाब से. सऊदी तो होम है ऑफ इस्लाम, राइट. सऊदी का ये जो कदम है, ये उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है कि भाई देखो, वो पाकिस्तान का हितैषी नहीं है सऊदी अरेबिया, बिल्कुल नहीं रहा. सऊदी को अपना इंटरेस्ट है अपनी मोनार्की मेंटेन करने में, अपनी अपने लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं इस्लाम के लिए मैं कदम लेता हूं वर्ल्ड स्टेज पे. तो सऊदी का ये जो स्टेप है, मैं इसको केवल उस नजर से देखता हूं कि ये उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है. अदरवाइज आप देखेंगी तो सऊदी के जो क्राउन प्रिंस आए थे, आई थिंक पिछले साल और समथिंग, $75 बिलियन का टारगेट चल रहा है इन्वेस्टमेंट्स का. सऊदी और भारत मिलकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे, रिफाइनरी के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की स्टोरेज की भी बात हो रही है. तो सऊदी का जो नियोम सिटी है, जो $500 बिलियन का ड्रीम सिटी वो बना रहे हैं, उसमें देर इन्वाइटिंग इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स. तो सऊदी का गेम अलग है, बट पाकिस्तान एंड चाइना एंड टर्की का अंडरस्टैंडेबल है. बिल्कुल सर, आपने एक्चुअली एक एक करके जो जिन कंट्रीज ने या तो बॉयकॉट किया है, जो खुश नहीं है सो कॉल्ड डेवलपमेंट से, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया. सर, पाकिस्तान के तो अपने देश में इतनी इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं. एक जो वाइडर लेवल का पाकिस्तान का इस तरीके से चिढ़ जाना, क्योंकि हमें चाइना का तो परेशानी मालूम है, क्योंकि चाइना हमेशा हितैषी रहा है पाकिस्तान का. क्या एक ब्रॉडर लेवल पर हम एक बड़ा संदेश देखते हैं, क्योंकि बड़े जो कंट्रीज हैं, चाहे ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गए, ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनका शामिल होना और ये कंट्रीज जो अपने आप को अलग थलग रखना चाहती है, ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है, ये जो पूरा एक हम इसको मैथमेटिक्स कहें कंट्रीज का, ये इसको कैसे समझें? देखिए, इस मैथमेटिक्स की अगर आप एनालॉजी लें, तो इस मैथमेटिक्स की एनालॉजी में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो वैल्यू इज द डिजिट जीरो, अनफॉर्चुनेटली वन ग्लोबल मैथमेटिक्स में. पर पाकिस्तान करता क्यों है? देखिए, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप कह रही हैं, हम सब जानते हैं. तो अपनी अवाम का आपको जब अटेंशन डाइवर्ट भी तो करना होता है, उनको कोई नई चीज ना को उनको इमोशन, एक शब्द है ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस. अपने घर के अंदर जब पाकिस्तान में आग लगी हुई है, तो पाकिस्तान की सरकार को अपनी अवाम का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट भी करना है ना, कि भाई देखो यहाँ ये कश्मीर में ऐसी ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं हमारे कौम के साथ, इत्यादि इत्यादि, ताकि उसकी अवाम का अटेंशन डाइवर्ट हो अपनी प्रॉब्लम से. दैट इज नंबर वन. सेकेंडली, उसी कड़ी में पाकिस्तान की सरकार ये कह सके, शहबाज शरीफ की जो फिलहाल सरकार ऑफिस में है, कि भाई देखो हम तो कश्मीर का मुद्दा हमेशा चैंपियन करते रहे और करते रहेंगे जोर शोर से. हमने तो पूरी अपनी एम्बेसीज की दुनिया भर में इन्होंने प्रोपेगेंडा चालू करा हुआ है इस समय अगेंस्ट दैट, राइट. सो बोथ ऑफ दीज रीजन मेरे विचार से ड्रिवन बाय अगेन पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स. बट यस, ऑफकोर्स पाकिस्तान को तो हमेशा से ही एक तरह से कहें एनवी है, या उनको कुछ परेशानी है या दुख है इंडिया से इमेजिन्ड. तो उसके चलते तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हमेशा इंडिया की ग्रोथ को एनवी भी करता है और अपोज भी करता है. बट एज टॉकिंग ऑफ अ मैथमेटिक्स एनालॉजी, पाकिस्तान का आज की तारीख में दुनिया में जो भी कहना किसी भी पर काउंट्स टू जीरो, अनफॉर्चुनेटली. चाइना, यस, चाइना का, बाय द वे, चाइना का बॉयकॉट करने का ये बहुत बड़ा सिग्नल है हमारे लिए इसका. और चाइना ने स्टेटमेंट दिया, ये नहीं कि केवल चुपचाप ओके नहीं आ रहे, बट चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो रही है G20, हम इसलिए नहीं आ रहे. इसका मतलब चाइना अभी भी तैयार नहीं है भारत के साथ रिश्तों को कुछ नॉर्मलाइज करने में. इसका मतलब कि आने वाले साल दो साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि हमारी बाउंड्री इशू या जो चैलेंजेस हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, या हो सकता है कोई छोटी मोटी और इनकर्शन भी हो जाए, परंतु कोई सल्यूशन की तरफ चाइना की तरफ से हमें, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया है इस इनके डिसीजन से, और तो इन्होंने प्रेस रिलीज में दिया है, दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स चाइना भारत के साथ पॉलिटिकल लेवल पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के मूड में नहीं है, और ये डिस्प्यूट जो हमारी है बॉर्डर की केवल और केवल पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल पे होगी। देखिए मिलिट्री कमांडर्स जब हमारे मिलते हैं, दोनों भारत के और चाइना के जो भी हैं, हमारे मिलिट्री कमांडर्स का जो जो इनकी एम्पावर्ड होते हैं इज ओनली फॉर द लोकल कंडीशंस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर मिलिट्री। मिलिट्री का ना रोल है ना उनका ये काम है कि बिग पिक्चर में बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करना, वो तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स एक्स वाई जी और क्या हम, तो इसका मतलब चाइना हमें इसी में उलझाए रखेगा और चाइना हमें पिन ट्रिक्स करता रहेगा। चाइना का ऑब्जेक्टिव है भारत को सीमित कर देना, एक तरह से जो हमारा पेनिनसुला का रीजन है ना इसी में, और नॉर्थ की तरफ हमारा इन्फ्लुएंस रोकने का, एज वेल एज ऑफकोर्स ईस्ट की तरफ, तो आप अलग ही छोड़िए। तो ये तो चाइना का गेम प्लान ऑलमोस्ट ऑब्वियस दिखता है। टर्की अगेन गोइंग बैक, आई मीन टर्की तो पुराने राग अलाप रहा है, डजंट मैटर टू अस, उसको हम अलग एंगल से देखें। बट मैं एक चीज और कहूंगा, इसमें कई बार कहा जाता है कि हमने टर्की को, अभी बात हो रही थी मेरी शाम को, कि हमने अर्थक्वेक में इतनी मदद करी, राइट, और टर्की ने ये हमें उसका, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट, तो उसमें मेरा, मैं एक्चुअली सर उसी पॉइंट पर आ रही थी कि जब भूकंप में जिस तरीके से भारत ने रवैया, इतना आत्मीय रवैया अपनाया था तुर्की के साथ, उनको भूकंप में इतना राहत पैकेज देकर, ये एक अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड इस तरीके का सिचुएशन हुआ था। सर बहुत ही छोटा आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, बहुत ही छोटा, एक मिनट का अगर आप एक फाइनल अपना कमेंट दे इस पूरे जो डिस्कशन में केंद्र बिंदु कश्मीर है, जहां पर आपने बोला कि जो उसकी नॉर्मलसी और स्टेबिलिटी जो एक सबसे बड़ा हुआ है, और उसमें एक वहां पर थिएटर खुल जाना एक बार फिर से फिल्मों का, और उसके बाद एक हमने एक अच्छा दृश्य देखा, नाटू नाटू पर लोग डांस भी कर रहे हैं, तो कश्मीर के लिए आने वाले टाइम में ये क्या G20 क्या एक डेवलपमेंट का एक पटल तैयार करता है? मेरे ख्याल से वन क्विक आंसर, आई थिंक डेफिनेटली ये एक स्टेपिंग स्टोन है, क्वांटम जंप है कश्मीर के लिए, कश्मीर की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, विदाउट डाउट कहने वाले कहते रहे। सेकेंडली बैक टू टर्की, जो हमने उनको अर्थक्वेक में मदद करी पर उन्होंने ये करा, मेरा ये कहना है हमारी फॉरेन पॉलिसी का पैराडाइम है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में, there are only two kinds of people in this world, friends and potential friends. आज जो हमारा दुश्मन है कल को हमारा दोस्त भी हो सकता है। हम तालिबान से नहीं थे पहले, बिल्कुल नहीं करते, हम तालिबान से बात कर रहे हैं, यहाँ कहिए तालिबान हमसे बात कर रहा है। तो डिप्लोमेसी में और वर्ल्ड रिलेशंस में हमें उस व्यू से जाना है, तो ठीक है हमने मदद करी टर्की की, टर्की ने हमें उसका ऐसा जवाब दिया, डजंट मैटर, हम अपने रास्ते पे अपनी स्ट्रैटेजी पे चलते रहना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर रविंद्र जी, हमारे को हमें अपना समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो G20 के मायने कश्मीर के लिए उसकी नॉर्मलसी के लिहाज से बहुत ज्यादा हैं। तो एक तरफ G20 की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम भी हुए हैं। खास बात यह है कि मेहमानों के सम्मान में खुद कश्मीर के लोग भी शामिल हुए हैं। कश्मीर का नीला आकाश, सफेद चादर ओढ़े बर्फीला कश्मीर, खूबसूरत वादियों से घिरा श्रीनगर, अचूक और अभेद्य सुरक्षा घेरा, तीन दिन तक G20 की बैठक में शामिल होने के लिए 25 देशों से मेहमान धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पहुंच चुके हैं। पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरा कश्मीर सजा हुआ है। कश्मीर की संस्कृति और परंपराओं की झलक देख मेहमान गदगद हो रहे हैं, साथ ही अपने मेहमानों की कड़ी सुरक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच भी तैयार किया गया है। पहली बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए एनएसजी कमांडोस और मार्कोस को कश्मीर में कमान दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था एनएसजी कमांडो, मरीन कमांडो, सीआरपीएफ कमांडो, बीएसएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के हाथ में सौंपी गई है।
जबकि इंडियन डिफेंस सिस्टम किसी भी स्थिति में नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए हमेशा की ही तरह तैयार है। आपको बता दें कि SKICC की सुरक्षा NSG और मार्कोस के हवाले कर दी गई है। खास बात यह है कि सुरक्षा की अचूक व्यवस्था के बीच आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। यही नहीं, विदेशी मेहमानों के लिए एक भारतीय होने के नाते खुद यहाँ के रहने वाले कश्मीरी उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि 22 से 24 मई तक कश्मीर में बैठक हो रही है, जहाँ 25 देशों के 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में G20 में शामिल होने वाले मेहमानों के अलावा यहाँ आने वाले सैलानियों को कश्मीर की वादियों में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा। G20 की आज होने वाली बैठक में फिल्म टूरिज्म को लेकर चर्चा हो रही है। आप कैसे देखते हैं फिल्म टूरिज्म की अगर हम बात करें? जी, 2016 में हम यही बिल्डिंग में शूटिंग किया था एंड आई शॉट ऑन दोस स्टेयर्स हियर एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज थैंकिंग माय डायरेक्टर हु बॉट मी हियर टू शूट। इट्स अ पैराडाइज ऑन अर्थ। लेकिन ऐसे में वो देश भी हैं जिन्हें भारत की तरक्की और कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर रास नहीं आ रही। इनमें चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पिछले 4 साल के दौरान बड़े बदलाव हुए हैं, जबकि पाकिस्तान से भेजे जाने वाले आतंकवादियों की वजह से घाटी में जिन उद्योग धंधों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, अब एक बार फिर दुनिया कश्मीर की वादियों में रुख कर चुकी है। यही है कश्मीर यानी जन्नत की असली हकीकत। श्रीनगर से खालिद हुसैन और रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नया कश्मीर देख से ही बॉर्डर पार पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त POK में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। जब तक श्रीनगर में G20 की मीटिंग चलेगी, तब तक बिलावल भुट्टो सीमा पार बैठे कश्मीरियों को मनाते रहेंगे। इस बीच POK ने भी भूखे पाकिस्तान को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के खिलाफ POK की जनता ने ऐसे ऐसे नारे लगाए जिसे सुनकर इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। POK में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पहुंचने से पहले ही जबरदस्त नारेबाजी हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे कश्मीरियों ने साफ कर दिया कि अब POK में इस्लामाबाद का खेल खत्म। ना ही आजाद कश्मीर और ना ही गिलगित बल्तिस्तान, जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरी बिजली पे पंजाब वाले मजे करें, मेरे बिजली के ऊपर सरहद के ऑफिसर मजे करें, मेरी बिजली की जरूरत सिंध वालों को हो, और जो हमसे लेकर जनाब वाला हमें अंधेरे में रखे। जब श्रीनगर में G20 समिट शुरू हुआ, तब POK में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए। G20 बैठक को पूरा विश्व देख रहा है और बिलावल भुट्टो की चर्चा इस्लामाबाद में भी नहीं हो रही। बिलावल अपना एजेंडा लेकर POK में मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचे। यह इलाका श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। बिलावल की कोशिश है कि जिस वक्त G20 की चर्चा हो रही हो, उसी वक्त वो भी कश्मीर का मुद्दा उठाएं। हालांकि POK में बिलावल के आने से ठीक पहले एक ऐसा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान है। गिलगित बल्तिस्तान के एक एक नौजवान MPhil, PhD, डबल MPhil इस्लामाबाद या पंजाब के किसी पोस्ट पर जाकर वहां टेस्ट देकर जितनी भी बासलाहियत उसके अंदर सलाहियतें हों अपीयर होकर अपना हक हासिल नहीं कर सकता। क्यों? कहा जाता है ये आईनी बाशिंदा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता। क्यों? आईनी बाशिंदा नहीं है। अच्छा, मैं आईनी बाशिंदा नहीं हूँ, मेरा खित्ता आईनी खित्ता नहीं है, फिर इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी खित्ता आईन के दायरे से बाहर हो, डिस्प्यूटेड एरिया हो, वहां के लिए आलमी कानून है कि 32 आइटम्स पर सब्सिडी दी जाए। तो आप हुकूमत ने बेगैरत हो किस आइटम पर सब्सिडी दी है तुम बताओ।
पिछले हफ्ते ही WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी शुगर फ्री के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया था। अब इस मामले में फूड रेगुलेटर यानी FSSAI भी हरकत में आ गई है। FSSAI ऐसे नियम कायदे बना सकती है जिससे शुगर फ्री के नाम पर सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले उत्पादों पर नकेल कसी जा सके। स्लिम फिट रहने और डायबिटीज से बचने के लिए लोग अक्सर शुगर फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। दरअसल शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इसमें शुगर नहीं होगा, लेकिन शुगर वाली मिठास मिलेगी। ये कोई हेल्दी सप्लीमेंट होगा, लेकिन भ्रम में न रहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम पर बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे ये प्रोडक्ट हमारी आपकी सेहत को बीमार कर सकते हैं। देश की फूड रेगुलेटर यानी फसाई अब शुगर फ्री उत्पादों को लेकर अलर्ट मोड में है। फसाई दरअसल WHO की उस स्टडी का मूल्यांकन कर रही है जिसमें कहा गया है कि नो शुगर स्वीटनर से टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। स्टडी के मुताबिक इससे मोटापा भी कम नहीं होता, तो फिर जीरो कैलोरी माने जाने वाली शुगर फ्री स्वीटनर को लेने का क्या मतलब है? समझते हैं कि आखिर क्या है नो शुगर स्वीटनर। दरअसल ये एक तरह का शुगर सब्स्टिट्यूट है। इसे प्राकृतिक तत्वों और केमिकल्स की मदद से तैयार किया जाता है। इसका स्वाद चीनी की तरह ही होता है, लेकिन ये चीनी से कहीं अधिक मीठा होता है। अब बताना जरूरी है कि WHO की स्टडी के आने के बाद फूड रेगुलेटर फसाई अलर्ट मोड में क्यों आया है। दरअसल भारत में शुगर फ्री के नाम पर मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, च्यवनप्राश, कुकीज, आइसक्रीम की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। लोग इन प्रोडक्ट्स का जीरो कैलोरी के नाम पर खूब सेवन कर रहे हैं। भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर कोई ठोस नियम कायदे नहीं है, लेकिन इसके स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए फसाई ने इन उत्पादों पर अंकुश लगाने का मन बनाया है। फसाई की टीम ने शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी स्टडी भी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में फसाई इन उत्पादों पर चेतावनी के तौर पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग लागू करने की सोच रहा है। फसाई का मानना है कि अगर ऐसा उत्पाद होता है तो इससे शुगर फ्री के नाम पर सेहत को बीमार करने वाले इन उत्पादों की बिक्री पर निश्चित ही असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंज्यूमर पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। उपभोक्ता अब खाने पीने के उत्पादों को खरीदने से पहले उस पर लिखे लेबल को पढ़ने लगे हैं। इसके खतरे की बात करें तो शुगर फ्री स्वीटनर में स्टीविया के अलावा एस्पार्टेम का खूब इस्तेमाल होता है। स्टीविया एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, वहीं एस्पार्टेम में अमीनो एसिड होता है। चीनी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके सेवन से कैंसर, हार्ट संबंधी बीमारी, माइग्रेन और चक्कर आने की शिकायत रहती है। वहीं शुगर फ्री स्वीटनर में इस्तेमाल होने वाला एरिथ्रिटोल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी हार्ट डिजीज को बढ़ा सकता है। ऐसे में शुगर फ्री के नाम पर आप अगर किसी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसका केवल इसलिए इस्तेमाल न करें कि ये शुगर फ्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब कुछ बिजनेस जगत की जुड़ी खबरों से आपको बताएं कि सीमेंस के शेयर में जोरदार गिरावट आई है। आखिरकार वजह क्या रही, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो आज हमने देखा कि सीमेंस के काउंटर में आज भारी बिकवाली आती हुई नजर आई, जहां पर आप देखिए 9% से ज़्यादा की गिरावट सीमेंस के काउंटर पर होती हुई दिख रही थी। दरअसल बात यह है कि यहां पर जो सीमेंस इंडिया है वो अपने लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड बिजनेस जो है सीमेंस AG यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, जर्मन पेरेंट कंपनी है, उसको ये बेचेगी। बेचने का यहाँ पर एक बड़ा इशू निकल कर आ रहा है कि सीमेंस इंडिया करीबन 2200 करोड़ रुपये में ये बेचेगी, जो कि FY22 बिक्री के 2 times पर, मल्टीपल्स पर ये यहाँ पर बेचा जा रहा है। अब इश्यूज यहाँ पर ब्रोकरेजेस को है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए UBS जो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए फेयर वैल्यू लगभग 6000 करोड़ रुपये की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो पेरेंट को बेचा जा रहा है 2200 करोड़ रुपये में, वो शायद निवेशकों को पसंद नहीं आ रहा है, जो कि फेयर वैल्यू यहाँ पर 6000 करोड़ रुपये की होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे का जो आउटलुक है सीमेंस AG का,
थॉट प्रोसेस ये है कि जो लो वोल्टेज मोटर्स और गियर कारोबार है वो एक ही कंपनी के अंतर्गत करने की इनकी योजना है, और हो सकता है कि आगे चलकर इसका ये आईपीओ भी लाते हुए नजर आए। तो वैल्यूएशन को लेके एक कंसर्न है जिस भाव पे यहाँ पर ये बिक्री होती हुई दिख रही है। अब आगे चलकर यही देखना है कि यहाँ पर फाइनल रिएक्शन क्या आता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इसको अभी भी मंजूर करना बाकी है, पर अभी फिलहाल जिस तरह की वैल्यूएशन दिखाई जा रही है उससे जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो नाखुश है, और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने डाउनग्रेड किया है। नोमूरा आप देखिए यहाँ पर न्यूट्रल से रिड्यूस की रेटिंग इन्होंने दी है, साथ ही फिलिप्स सिक्योरिटीज़ यहाँ पर डबल डाउनग्रेड किया गया है, खरीदारी की राय से बदलकर अब ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट्स भी 3,477 रुपये के दे रहे हैं 4,328 के मुकाबले। तो ब्रोकरेज हाउसेस इसी वजह से जो वैल्यूएशन है उसकी वजह से नाखुश है, और देखना है कि यहां पर आगे चलकर किस तरह का रिएक्शंस जो है माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स दिखाते हुए नजर आते हैं। उधर ग्लैंड फार्मा के शेयरों में आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट किस वजह से रही है, कारण समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए पिछले दो दिनों में अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा की अच्छी खासी पिटाई हुई है। दो दिनों में करीब 35% के आसपास की गिरावट जो है स्टॉक में हो चुकी है, और वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग डे के बाद के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो इस काउंटर में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। इनफैक्ट इशू प्राइस से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 40% नीचे है, और जो लाइफ हाई था इस स्टॉक का करीब 4,350 के आसपास का, वहाँ से स्टॉक में करीब 80% के आसपास की गिरावट जो है वो आ चुकी है। इस तरह की पिटाई जो है इस काउंटर की हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी के नतीजे। इस क्वार्टर में नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, और साल दर साल आय में अगर आप देखेंगे तो करीब 29% के आसपास की गिरावट थी, एबिटा में 52% और मुनाफे में करीब 72% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कंपनी के एक पार्टनर है, उन्होंने US में बैंकरप्सी फाइल की है, जिसके कारण इस कंपनी के जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है उसमें कमी आई है। सिर्फ यही नहीं, कुछ इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे जो चाइनीज़ प्लेयर्स है वो काफ़ी हद तक डोमिनेंट हो चुके हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कंपनी मार्केट शेयर लूज़ कर रही है। डुंडागल फैसिलिटी जो है उसको इन्होंने बंद किया था, तो वहाँ से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सेटबैक जो है इस कंपनी को हुआ। और US में अगर आप वैसे भी देखेंगे तो प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है, उसका भी असर जो है कंपनी के ओवरऑल प्रदर्शन पर हुआ है। और FY23 जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि आय अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से गिरी है, 4,400 करोड़ से गिर के 3,625 करोड़। मुनाफा FY22 में करीब 1200 करोड़ के आसपास था, इस बार करीब 780 करोड़ के आसपास है। और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो प्री आईपीओ लेवल के भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट जब आईपीओ आया था तब करीब 40% के आसपास के मार्जिन से कंपनी करती थी, अब वो गिर के करीब 28% के आसपास आ चुके हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण स्टॉक में आपको पिटाई देखने मिल रही है। साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। मॉर्गन स्टैनली प्राइस टारगेट काटा है 2072 से काट के 1035, और सिटी ने भी बिकवाली की सलाह दी है, 1200 से प्राइस टारगेट काट के 925 के आसपास का दिया है। तो नतीजे तो कमज़ोर थे, ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो लगातार इस काउंटर को डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसके लिए आपने देखा कि भारी भरकम वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में गिरावट देखने मिली, और लिस्टिंग के बाद के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आज इस काउंटर ने अपना लाइफ लो जो है वो छुआ है। वही जोमैटो के नतीजे आ गए, लेकिन अब आपको शेयर में करना क्या चाहिए, आइए इसी पर बुल और बेयर के तर्क बता रहे हैं हमारे दो सहयोगी आशीष, जो कि बुल के तर्क बताएंगे, और नुपुर जो बताएंगी बेयर के तर्क। देखिए सबसे पहला तर्क यही है कि अब काफी लोग कहते थे कि फाइनेंशियल्स में दम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अब देखिए दम नजर आ रहा है, और समय से पहले नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस थी कि Q2 FY24 तक यहां पर अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर एबिटा लेवल पर मुनाफा आएगा, वो समय से पहले आ गया है। और जो लॉस है इसमें भी टोटल आप देखिए काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एडजस्टेड बेसिस पर कैसे मुनाफा दर्ज के आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है कि फाइनेंशियल्स में अब आपको दम नजर आ रही है। बिल्कुल फाइनेंशियल्स में दम नजर आ रही है, लेकिन ग्रोथ अगर स्लो होगी तो वो भी कम होती है, वापस से नजर आएगी जब इन्वायरमेंट इन्फ्लेशनरी हो, महंगाई हो, तो डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंस होते हैं ना वो हम करते हैं, जिसके चलते कंपनी का भी जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी कम नजर आ रही है। अगर एवरेज ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स भी देखें तो Q4 FY22 में करीबन 16 मिलियन के आसपास थे, वो बढ़कर 17 मिलियन हुए थे Q3 में, लेकिन वापस से घटकर 16 मिलियन हो गए Q4 में। तो
जो ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है अगर वो ही कम हो रहे हैं तो लॉस कैसे कम होंगे आगे चल के? नहीं, लॉस तो कम हो गया। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्विक कॉमर्स को हटा दें और फिर नंबर एडजस्ट करके देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने जो एबिटा लेवल पर मुनाफा दर्ज किया है। ट्रेंड भी आपके सामने रख देता हूँ, Q1 FY23 में इसी आधार पर अगर आप देखें तो 150 करोड़ का एबिटा लॉस था जो कि इम्प्रूव हुआ Q3 FY23 में करीब करीब 38 करोड़ के आसपास, और अब का जो आंकड़ा है वो 28 करोड़ का। और इसी के चलते हमने देखा था कि सुबह स्टॉक में तेजी भी आई थी क्योंकि पहली बार एडजस्टेड लेवल पर आप देखें तो कंपनी मुनाफे में आई है, बड़ी बात है। तेजी तो आ रही है, 60 पे अटका हुआ स्टॉक कब से, पर कोई बात नहीं। ONDC की बात कर लेते हैं चर्चा में, तो ONDC भी काफी दिनों से चाहे मोनोपोली कम करने का उनका मोटिव हो, किसी बिजनेस को बाहर करने का नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ONDC पे सारे प्लेयर्स आते हैं फूड ऑप्शंस वाले तो ऑब्वियसली मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखेगा इन प्लेयर्स के लिए, मोनोपोली कम होगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर मार्केट शेयर के ऊपर सवाल आ सकता है। मार्केट शेयर अभी काफी अच्छा है कंपनी का, आप आर्ग्यू भी कर लोगे इस बात पर, लेकिन अगर इतने सारे प्लेयर्स, इतने सारे लोकल को अगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो क्यों ना एज ए कस्टमर हम भी ONDC के पास। लेकिन देखिए क्या वो इतनी कैश बर्निंग कर पाएंगे और इतनी क्विक डिलीवरी आपको दे पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले आपने हमें समझाया था कि ONDC और Zomato का देखिए तो जो कस्टमर बेस है काफी अलग है। Zomato का कस्टमर बेस चाहता है कि समय पर डिलीवरी हो जाए, आप 10-5 रुपए ऊपर नीचे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पर ऑर्डर मिलना चाहिए, तो कॉम्पिटिशन से कोई खतरा नहीं है। समय के साथ सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है, ONDC भी हो जाएगा और वहां से भी आपको अच्छा कॉम्पिटिशन आते दिखेगा, कोई बात नहीं। आशीष, घाटे की बात कर लेते, लोग काफी बात करते कि मुनाफे में आ गई, लेकिन घाटे में है अभी भी कंपनी और कब आएगी पता नहीं। साथ ही साथ 4-5% एबिटा मार्जिन करने का जो लक्ष्य है उसके लिए 7-8% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आना जरूरी है, फिलहाल कंपनी से 5% के कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं। आपने बोला ना कि कब आएगी पता नहीं, मैं आपको बता देता हूं अगले 4 क्वार्टर को कंपनी को बड़े ध्यान से देखेगा और 4 क्वार्टर के बाद आप देखिए कि कंसोलिडेट लेवल पर, यानी अब तक मैं आपको एडजस्टेड आंकड़े बता रहा था, अगले 4 तिमाहियों के बाद आप इनके पूरे आधार पर कंपनी को देखे लेवल पर आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और शायद इसी के चलते आप देखें कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, शायद मैं सारी पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन CLSA आप देखें 70 से बढ़ाकर 80 का टारगेट दे दिया, मॉर्गन स्टैनली 74 से बढ़ाकर 85, सिटी खरीदारी के रहते 76 से 84 का टारगेट है, और गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बढ़ाया होगा लक्ष्य। अगली बार होपफुली अबुल वर्सेस बेया रिजल्ट रिव्यू में एडजस्टेड वर्ड यूज ना करें हम तो प्रॉफिट्स गिनती में आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। नोमुरा की रिड्यूस की रेटिंग है 45 का टारगेट, जेबी मॉर्गन की बात करें तो ओवरवेट की तो रेटिंग है लेकिन उन्होंने टारगेट कट किया है, 100 से घटा के 90 कर दिया है। शेयर बाजार का हाल आपको बताएं तो सोमवार को कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता दिखा, अंत में सेंसेक्स 234 अंक चढ़कर 61,960 के पार क्लोज हुआ, निफ्टी 111 अंक चढ़कर 18,310 के ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 84 अंक गिरकर 43,880 पर क्लोज हुआ। कहां पर था सबसे ज्यादा बाजार में आज एक्शन, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए ढेर सारी खबरें और नतीजों के बीच हफ्ते की शुरुआत अगर आप देखें तो तेजी के साथ देखने को मिली, जहां पर निफ्टी पर क्लोज अगर आप देखें तो 18,300 के पार हुई, निफ्टी बैंक में भी हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग थोड़ी बहुत रिकवरी यहां पर भी आपको देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो डिविस लैब, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, विप्रो यानी IT, फार्मा और हेल्थ केयर जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिली। गिरने की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, करीब करीब 1% का करेक्शन आपको नजर आया, लेकिन दमदार नतीजों के बाद आप देखिए मुथूट फाइनेंस दिन के दौरान 9% के बड़े गेंस यहां पर आपको देखने को मिले, LG इक्विपमेंट 19% की बड़ी तेजी, सोम डिस्टिलरीज खबरों के चलते 7% का उछाल और वेल्समन कॉर्पोरेशन यहां पर भी अगर आप देखें तो बड़े ऑर्डर विन के चलते 1.5% का रुझान यहां पर भी आपको देखने को मिला, लेकिन लगातार 2 दिन हो गए ग्लैंड फार्मा में बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली, आज भी स्टॉक जो है 16-17% लुढ़का, कोचिन शिपयार्ड, सीमेंस और स्पार्क यहां पर भी बड़ी गिरावट आपको नजर आई, लेकिन नीलकमल यहां पर देखिए अच्छी तेजी रही, VRL लॉजिस्टिक्स नतीजों के बाद बड़ा मूव, केन्स टेक्नोलॉजीज और बटरफ्लाई गांधीमती यहां पर भी देखिए करीब करीब 6% का इजाफा आपको नजर आया, लेकिन अल्ट्रामरीन पिगमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, बालाजी अमाइंस, रेस्टोरेंट ब्रांच एशिया एक वजह से स्टॉक है जहां पर गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। IMF से मंजूर कर्ज की रकम जारी करवाने की कोशिशों में श्रीलंका सरकार जुटी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के IMF से कर्ज लेने को लेकर सरकार की योजना पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस साल सितंबर तक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा।
इसके जरिए देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को स्थिर स्तर पर लाने में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि श्रीलंका की संसद में IMF के साथ समझौते को प्रस्तुत किया जा चुका है, जहां इसे मंजूरी मिल चुकी है। नॉर्थ मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया में ड्रग माफियाओं के बीच गैंगवॉर में 11 लोग मारे गए, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। मरने वाले सभी लोग कार रेसर्स थे, जो ऑल टेरेन कार रेसिंग शो में हिस्सा लेने आए थे। खबरों के मुताबिक रेसिंग के दौरान जब ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके, तभी गाड़ियों से कुछ लोग बंदूकें लेकर निकले और फायरिंग शुरू कर दी। हमले की जानकारी मिलते ही स्टेट पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेक्सिकन रेड क्रॉस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। हमले में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। साउथ अमेरिकी देश गयाना के एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। खबरों के मुताबिक हादसे में 20 छात्राओं की मौत हो गई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, कई लड़कियों के आग में झुलसने से घायल होने की भी खबर है। आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। ये घटना सेंट्रल गयाना के महिदा शहर के एक स्कूल के हॉस्टल में घटी। हादसे के वक्त छात्राएं सो रही थी। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक कई फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने हादसे में घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और खेल जगत की कुछ खबरों में आपको बताएं, IPL के 69वें लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने 201 रन का टारगेट 18 ओवर में चेज किया। मुंबई से कैमरून ग्रीन ने IPL करियर का पहला शतक लगाया, तो वहीं आकाश मधवाल ने 4 विकेट लिए। SRH की ओर से मयंक अग्रवाल ने 32 बॉल में अपनी 50 पूरी की। ये उनके IPL करियर की 13वीं और इस सीजन की पहली 50 है। RCB की हार के साथ ही अब मुंबई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। IPL में रविवार को बेंगलुरु का प्लेऑफ यानी अंतिम 4 में जाने का सपना टूट गया। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। ओपनर शुभमन गिल ने छक्का लगाकर गुजरात को जिता दिया। मैच में 2 शतक बने, विराट ने 101, गिल ने 104 रन बनाए। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाए। 198 का टारगेट गुजरात ने 19.1 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। तो आज के इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आप देखते रहिए Zee Business।